हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ सीखने वाले हैं। क्योंकि आप देखोगे कि अगर ये आपको आइडिया रहेगा इसके बारे में तो आप बहुत आसानी से अच्छे अच्छे क्वालिटी के न्यूमेरिकल्स जो आपको फिजिक्स में आएंगे, वेव्स चैप्टर में और बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होंगे, तो वहाँ पर आप बहुत आसानी से बना पाओगे। तो हम लोग और ऑफकोर्स मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि फिजिक्स में यूज होता है, और मैथ में ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर्स में आप अगर जो खास करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब देखोगे, तो इसके हेल्प से टफ टफ क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको इसका काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना आपका लेते हुए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। तो ध्यान दो, ग्राफ ऑफ ए फंक्शन की बात करता हूँ। अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो ऑफ कोर्स लेट से कोई भी पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक या किसी भी तरह का आपको फंक्शन दे दिया गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी तरह का फंक्शन दे दिया गया तो उसका सपोज करो ये y इक्वल टू एफ एक्स इज आवर ग्राफ। ये किसी भी तरह का हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लॉगरिदमिक हो सकता है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, फिर हो सकता है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन हो, किसी भी तरह का फंक्शन हो। तो मान लेते हैं कि दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स में भी एनी फंक्शन। तो अगर आप x में x नॉट सब्ट्रैक्ट करते हो, इफ़ यू रिप्लेस x विथ x माइनस x नॉट, फिर x नॉट इज ए पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। x नॉट अगर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, आप x के जगह पर जहां पर x था, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि y इक्वल टू मैं लिख लूँ साइन x, तो अब हम कर रहे हैं y इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस x नॉट। ठीक है, तो x जहाँ जहाँ पर था वहाँ पर हम लोग x नॉट, x माइनस x नॉट से रिप्लेस कर रहे हैं। तो होगा क्या, ये ग्राफ x एक्सिस में x नॉट वैल्यू से ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये x नॉट वैल्यू से आगे बढ़ जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ध्यान देना, आप अगर एक्स को रिप्लेस कर देते हो एक्स माइनस एक्स नॉट से, तो ग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा, साइज से सब सेम रहेंगे, बस वो इट विल बी ट्रांसफर्ड इन द राइट ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पहले एफ एक्स यहाँ पर था, अब एफ एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट वैल्यू से आगे चला गया है। ठीक है, x नॉट वैल्यू से राइट साइड में या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में वो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया है। और इसका रिवर्स, आप अगर x को x प्लस x नॉट से रिप्लेस करते हो, ठीक है, तो इसको मैं एग्जांपल को हटाता हूं। ठीक है, तो यहां कह सकते हो कि ग्राफ गेट्स डिस्प्लेस्ड बाई एक्स नॉट अमाउंट टू द राइट ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब कि एक्स एक्सिस में आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एक्स नॉट वैल्यू से आगे चला जाएगा। एंड सिमिलरली If we replace x with x plus x naught, then graph gets displaced by x naught value towards नेगेटिव एक्स एक्सिस। मतलब ये एक्स एक्सिस में पीछे चला जाएगा। तो कह सकते हो कि आपका ये हो गया वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स नॉट, ये पीछे चला जाएगा ग्राफ। ठीक है, आप फिर से समझ लो, बहुत सिंपल है, इसको समराइज कर लेते हैं कि अगर फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ है, आप x को रिप्लेस कर दी x माइनस एक्स नॉट से, फिर x नॉट मस्ट बी पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, माइंड इट, x नॉट मस्ट बी पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। तो ग्राफ आपको क्या हो जाएगा, इट विल शिफ्ट
इन द राइट ऑफ द एक्स एक्सिस बाई एक्स नॉट अमाउंट, मतलब कि एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स नॉट से आगे बढ़ जाएगा, और आप अगर वही एक्स नॉट को ऐड करते हो एक्स में, ठीक ना, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एक्स नॉट, तो उस केस में क्या होगा, ग्राफ विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, वो बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट करेगा, पीछे जाएगा, ठीक है, कितने से, एक्स नॉट वैल्यू से। ओके, इसी तरीके से हम लोग वाई एक्सिस में भी कर सकते हैं शिफ्टिंग। चलो इसको इरेज करता हूँ, अगर आप लिख लिए हो तो। ऑफ कोर्स आपको अगर जो ग्राफ का थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है समझने में, तो मैं एक ग्राफ पर भी लेक्चर बना करके अपलोड कर सकता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बता दोगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब सिमिलरली इफ़ वी रिप्लेस वाई विथ वाई माइनस वाई नॉट, ध्यान देना, वाई को वाई माइनस वाई नॉट से आप रिप्लेस करते हो, देन ग्राफ विल गेट शिफ्टेड अपवर्ड इन द पॉजिटिव एक्स वाई डायरेक्शन बाई वाई नॉट अमाउंट, ठीक है। मतलब कि पहले हमारा ग्राफ था वाई इजक्वल टू एफ एक्स, अब हम लोग क्या कर रहे हैं नाउ, और ये वाई इजक्वल टू एफ एक्स की ग्राफ ये है, ध्यान दो, दिस इज योर वाई इजक्वल टू एफ एक्स, नाउ वी आर डूइंग व्हाट, y माइनस वाई नॉट इजक्वल टू एफ एक्स। सी x में हम लोग फंक्शन में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोग y में वाई नॉट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और वी कैन राइट y इजक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई नॉट, मतलब पूरे एफ एक्स फंक्शन में वाई नॉट को आप ऐड भी कर रहे हो, ये भी कह सकते हो। तो इस केस में क्या होगा, ग्राफ विल गेट शिफ्टेड अपवर्ड बाई वाई नॉट अमाउंट, सो दिस इज योर y इजक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई नॉट, हमने पूरे फंक्शन में वाई नॉट को ऐड किया है, तो ग्राफ क्या होगा, फिर से साइज सेप कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर हमारा थोड़ा साइज चेंज हो गया है, लेकिन आप माइंड में रखना है कि साइज सेप किसी भी तरह का फंक्शन का चेंज नहीं होगा, जस्ट इट विल गेट शिफ्टेड अपवर्ड, क्लियर है। और वही आप अगर जो वाई प्लस वाई नॉट इजक्वल टू एफ एक्स लिख दिए, ये है, ये आपका शिफ्टिंग अप का केस, शिफ्टिंग अप, और ये हो जाएगा शिफ्टिंग डाउन का केस, शिफ्टिंग डाउन। अब हम लोग जैसे आप x में x नॉट सब्ट्रैक्ट किए थे पॉजिटिव x में शिफ्ट किया था, और जब ऐड किए तो निगेटिव x में शिफ्ट किया था, सिमिलरली y में जब y नॉट सब्ट्रैक्ट किए इस केस में, तो क्या हुआ, वो पॉजिटिव y में शिफ्ट किया, और वही y में अगर y नॉट ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, निगेटिव y में शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो इसको और लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज y इजक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई नॉट, मतलब कि पूरे फंक्शन में हम लोग वाई नॉट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ध्यान देना, फंक्शन में वाई नॉट को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दिस विल गेट शिफ्टेड डाउन बाई वाई नॉट, ये वाई नॉट हो गया फिर से, एंड दिस इज योर y इजक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई नॉट, तो हियर वी आर सब्ट्रैक्टिंग वाई नॉट इन फंक्शन एफ एक्स, एंड इन दैट केस ग्राफ इज शिफ्टिंग डाउनवर्ड, ध्यान देना, वाई एक्सिस कहलाऊँ, यहाँ पर एक्स में कोई चेंज नहीं होगा, न तो पोजिशन, न तो साइज सेप, एक्स एक्सिस कहलाऊँ कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, केवल वाई में चेंज हो रहा है, क्या उसका शिफ्टिंग हो रहा है। आप जब कह सकते हो फंक्शन में हमने जब वाई नॉट ऐड किया तो ये पॉजिटिव वाई में शिफ्ट किया, और फंक्शन में पूरे फंक्शन में जब वाई नॉट सब्ट्रैक्ट कर दिए तो उस केस में क्या हो रहा है, ये डाउनवर्ड शिफ्ट कर रहा है। हम लोग कुछ एग्जाम्पल इसका कर लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, तो आई बिलीव यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर के इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे y इजक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो ऑफकोर्स इन्वर्टेड पैराबोला है, आपका ग्राफ एग्जैक्टली मानो तो कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका एक x इजक्वल टू जीरो हुआ और एक x इजक्वल टू वन होगा, यहाँ से देख सकते हो रूट ऑफ इक्वेशन निकाल करके, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देखे होगे तो वहाँ पर आपको रूट ऑफ इक्वेशन मिला होगा, पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको इक्वेट जीरो से करो तो एक एक्स इक्वल टू जीरो आएगा और एक एक्स इक्वल टू वन आएगा, तो जीरो और वन से पास कर रहा है, ठीक है। ऑफकोर्स ग्राफ विल कंटिन्यू डाउनवर्ड, लेकिन हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। अब अगर आपको पूछ दिया जाए कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर y इजक्वल टू एक्स माइनस
टू माइनस एक्स माइनस टू का स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, हमने क्या किया है, एक्स में टू सब्ट्रैक्ट किया है, एक्स में टू सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये क्या होगा, ये ग्राफ दो यूनिट से राइट में चला जाएगा। तो x जहाँ जीरो था वो कहाँ पर चला गया, टू पर, और x जहाँ पर वन था वो टू आगे बढ़ करके थ्री पर चला गया। तो ये हो गया वन और ये हो जाएगा थ्री, ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा आपको। क्लियर है ग्राफ, ध्यान दो, फिर से समझो, यहाँ पर x इक्वल टू जीरो था और ये x इक्वल टू वन था, तो अब ये टू से शिफ्ट किया, सॉरी, तो जीरो आपको चला गया है टू पर, जीरो प्लस टू दो से शिफ्ट किया है फॉरवर्ड, और वन चल गया वन प्लस टू मतलब थ्री पर। तो ये हो गया अब आपका ग्राफ, दिस इज योर y इक्वल टू x माइनस टू माइनस x माइनस टू का स्क्वायर, इसका ये ग्राफ बन गया। तो क्लियर है, आई बिलीव क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यही अगर प्लस कर दिए होते यहाँ पर x प्लस टू, यहाँ पर x प्लस टू, तब क्या होता, ये बैकवर्ड हो जाता। चलो उसका एक ग्राफ बना ही लेते हैं, तो उसमें टू टू यूनिट्स वो बैकवर्ड शिफ्ट होता और ग्राफ आपका हो जाता जीरो से माइनस टू। तो एक टर्म आपका ये राइट वाला, इसमें दो सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस वन आएगा, है ना, दो इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस वन आएगा, तो दिस इज योर माइनस वन, और इसमें दो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस टू हो जाएगा। तो अब ग्राफ आपका इसका ये हो गया, दिस इज योर y इक्वल टू x प्लस टू स्क्वायर, सॉरी माइनस x प्लस टू का स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, ध्यान देना, हमने क्या किया, फिर से यहाँ x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू वन था, हमने पहला केस में यहाँ पर माइनस टू किया, ठीक है, तो माइनस टू किया, तो हमने बताया था क्या कि जब x में सब्ट्रैक्ट करते हो तो पॉजिटिव x में शिफ्ट करता है ग्राफ, तो हमने उसको पॉजिटिव x में शिफ्ट कर दिया। तो जहाँ पर x इक्वल टू जीरो था अब वो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस टू, और जहाँ पर x इक्वल टू वन था अब हो जाएगा वन प्लस टू मतलब थ्री। तो टू और थ्री के बीच में ग्राफ बन गया यहाँ पर। सिमिलरली जहाँ पर x इक्वल टू जीरो था अब वहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो माइनस टू, इस केस में देखो जीरो माइनस टू तो माइनस टू हो गया, और जहाँ पर x इक्वल टू वन था वहाँ पर माइनस टू करोगे तो माइनस वन, तो दिस इज योर माइनस वन। तो ये ग्राफ हो जाएगा, हालांकि हमारा ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्रेस हो गया है, ठीक है, आप अगर तरीके से बनाओ तो ग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा साइज शेप में, ठीक है। लाइक दिस ग्राफ विल गेट फॉर्म्ड। तो क्लियर है, आई थिंक कि कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे हम लोग बनाते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग वाई एक्सिस में शिफ्ट करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे। तो ध्यान दो, हम लोग अगर ग्राफ ले लें y इक्वल टू अभी जो लिए थे उसी को लेते हैं, ठीक है, x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी हमने इसका ग्राफ बनाया था, क्या इसका ग्राफ बनाया था, ये जीरो और ये हो गया x इक्वल टू वन। अब आपको बोल दिया कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो ध्यान देना, पूरे फंक्शन में फोर एडेड है, मतलब कि ग्राफ क्या हो जाएगा, फोर यूनिट से अपवर्ड चला जाएगा। आप ये एक y इक्वल टू फोर है, दिस इज योर y इक्वल टू फोर, और यहाँ पर ग्राफ बन जाएगा। सो दिस इज योर y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है। और यही अगर बोलता, ध्यान देना, मेरा ओरिजिनल x एक्सिस ये था, y एक्सिस ये है, हमने चूंकि पूरे फंक्शन में 4 ऐड किया है, पूरे फंक्शन में 4 को ऐड कर दिया, तो ग्राफ 4 यूनिट से ऊपर चल गया, जो बेस यहाँ पर था अब बेस वो ऊपर चला गया। तो कोऑर्डिनेट इसकी हो जाएगी आपको 0 4, और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हो जाएगी, x तो 1 था ही पहले से भी, अभी भी 1 रहेगा, y 4 हो गया आपका, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस टू, मतलब कि ग्राफ कितना शिफ्ट करेगा नीचे, ध्यान देना, ग्राफ आपको टू यूनिट से नीचे शिफ्ट कर जाएगा, ग्राफ आपको टू यूनिट से यहाँ पर क्या होगा, नीचे शिफ्ट करेगा। फिर से ये आपको x इक्वल टू वन है, लेकिन y यहाँ पर माइनस टू हो गया, वन माइनस टू, और ये हो जाएगा आपका जीरो माइनस टू,
तो ग्राफ क्या हो गया, टू यूनिट से आपका ये है आपका y इक्वल टू माइनस टू। ग्राफ आपका टू यूनिट से डाउनवर्ड शिफ्ट कर गया क्योंकि मैंने पूरे फंक्शन में टू क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था। पूरे फंक्शन में टू क्या किया हूँ, सब्ट्रैक्ट किया, इस चलते ग्राफ टू यूनिट से नीचे आ गया। इस केस में पूरे फंक्शन में फोर एडेड था तो ग्राफ आपका टू यूनिट से क्या हो गया, अपवर्ड शिफ्ट हो गया। मतलब कि जब पूरे फंक्शन में ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, ग्राफ आपको अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा, और जब एक्स में पर्सनली ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तब क्या होगा, ग्राफ आइदर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। तो आई बिलीव कि यहाँ तक का कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब कॉम्प्रेसिंग ग्राफ की बात करते हैं। अगर ग्राफ को हमें कॉम्प्रेस करना है तो कैसे करोगे, थोड़ा सोच के बताओ। तो ध्यान, अभी हमने एक्स में एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात की, वाई में एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात की। अब अगर एक्स में कुछ नंबर से कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें या कुछ फैक्टर से डिवाइड कर दें तब ग्राफ कैसे चेंज करेगा, उसी की बात अभी हम लोग करने वाले हैं। तो आप मान लो कि वाई इक्वल टू करते हो एफ ऑफ ए एक्स, फिर ए इज ग्रेटर देन वन, ए इज ग्रेटर देन वन है और उसको हम लोग क्या किए हैं, ए से एक्स में मल्टीप्लाई किए हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि ग्राफ विल गेट ए टाइम्स कॉम्प्रेस्ड एलोंग एक्स एक्सिस, ध्यान देना एलोंग एक्स एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल फंक्शन, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राफ ऑफ इनिशियल फंक्शन। आपका जो इनिशियल फंक्शन था उसके ग्राफ के रिस्पेक्ट में यहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए टाइम कॉम्प्रेस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि वाई इक्वल टू साइन एक्स, इसकी ग्राफ कैसे बनेगी, आप जानते हो ये हो गया आपका वाई इक्वल टू साइन एक्स का, ये हो गया आपका प्लस वन, ये वाई का वैल्यू प्लस वन हुआ और यहाँ पर वाई का वैल्यू माइनस वन हुआ, ठीक है। अब आपको अगर बनाना है कि वाई इक्वल टू साइन ऑफ टू एक्स, इसकी ग्राफ बनाना है तो ऑफकोर्स साइन एक्स में आपको ये पता है ये पाई होता है और ये टू पाई हुआ, 2π पर फंक्शन क्या हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है। मैं दूसरा कलर लेकर के आता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी के साथ में बता सकूँ। हाँ तो ध्यान दो, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो अब साइन 2x तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स कॉम्प्रेस हो जाएगा। मतलब कि ये यहाँ पर ग्राफ कंप्लीट हो रहा था, अब इसके हाफ में ही ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट सिस्टम इसके हाफ में ही बन जाएगा। वाई में ध्यान देना, वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने वाई में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया है। तो ये ग्राफ आपको बन जाएगा इस तरीके से हो गई। लाइक दिस, तो ये ग्राफ ये हो गया आपका वाई इक्वल टू साइन ऑफ टू एक्स, दिस इज योर ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू साइन ऑफ टू एक्स। मतलब कि वाई में ध्यान दो, हाइट में हमने कोई चेंज नहीं किया है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन एक्स एक्सिस में क्या होगा, ग्राफ कॉम्प्रेस हो गया। पहले ये अस्ट्रेच्ड था, ब्लैक वाला देखो ग्राफ अस्ट्रेच्ड था, अब उसी को मैंने कॉम्प्रेस कर दिया है ना, क्योंकि थोड़ा सोच करके देखो, x की वैल्यू जब 2π थी तब 0 हो रही थी है ना, 2π पर 0 हो रही थी, लेकिन अब 2π वैल्यू के लिए हमें पाई पुट करना होगा, पाई पर ही ये फंक्शन 2π ले रहा है, पाई पर ही वैल्यू 2π ले रहा है, आ रही बात समझ में। तो इस चलते ये ग्राफ क्या हो रहा है, डबल टाइम कॉम्प्रेस हो गया। अगर 3x यही कर देते तो इतने में ये तीन बार अप डाउन हो गया होता, 3 times साइकिल अपना कंप्लीट कर लिया होता। 4x करते तो 2π तक में ही 4 बार अपना साइकिल कंप्लीट कर लिया होता, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन हम लोग देख, आइडिया होगा आपको, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन किसको कहते हैं, जहाँ पर फंक्शन अपना फॉर्म को रिपीट करता है ना,
अपने स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफ को जहाँ पर रिपीट करेगा दैट इज कॉल्ड पीरियड, और उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। जैसे यहाँ पर 2 पाई के बाद देखो कि साइन एक्स क्या है, अपना ग्राफ का स्ट्रक्चर को रिपीट कर रहा है, और इस केस में साइन 2x में पाई हो गया, आपका पीरियड कितना हो गया पाई, पाई पर ही अपना स्ट्रक्चर को क्या कर लिया, रिपीट कर लिया। ठीक है, तो आई बिलीव कि ये भी आपको क्लियर है। सिमिलरली आप इसको इरेज कर दे रहा हूँ ताकि हम लोग आगे इसको देख सकें। अब सिमिलरली अगर x में a से डिवाइड कर दो, ध्यान देना, x में अब अगर हम लोग a से डिवाइड कर दे तब क्या चेंज होगा, थोड़ा सोच करके बताओ। इस केस में क्या होगा, अगर x से आप डिवाइड कर देते हो, सॉरी a से डिवाइड कर देते हो, तब ग्राफ ये स्ट्रेच हो जाएगा। a से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, ग्राफ कॉम्प्रेस हो गया। a से अगर डिवाइड कर दोगे तो ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। तो अगर इसी को मैं लिख दूं x अपॉन a, तो ग्राफ विल गेट ग्राफ ऑफ फंक्शन विल गेट स्ट्रेच्ड अलोंग x एक्सिस। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे एग्जांपल ले लो y इक्वल टू हम साइन x की बात करते हैं, और एक हम लोग लेते हैं y इक्वल टू साइन x बाई टू। ठीक है, दोनों का ग्राफ बनाना है, तो y इक्वल टू साइन x आपका हो गया, अभी हमने बनाया था, लाइक दिस, ये हो गया आपका पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो जाएगा 3 पाई, ये हो गया 4 पाई, लाइक दिस, ये हो गया वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, दिस इज योर वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अब अगला ग्राफ है साइन एक्स बाई टू, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, थोड़ा सोच के बताओ। तो अब क्या है कि ये ग्राफ स्ट्रेच हो गई है, ध्यान देना, हाइट में कोई चेंज नहीं होगा, लाइक दिस, दिस ग्राफ विल गेट स्ट्रेच। थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर में मेरा खराब हो रहा है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स बाई टू। मतलब पीरियड की बात करें तो वाई इक्वल टू साइन एक्स का पीरियड कितना था, 2 पाई, लेकिन वाई इक्वल टू साइन एक्स बाई टू इसकी पीरियड कितनी हो जाएगी, 4 पाई। देखो यहां से यहां तक गया 4 पाई, अब रिपीट करेगा अपना स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पर पीरियड हो जा रहा है आपको, आप एक्स बाई ए जब कर रहे हो तो इसकी पीरियड कितनी हो गई, अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो इसकी पीरियड हो जाएगी इक्वल टू टू टी एटी, सॉरी एटी हो गई पीरियड। और वही अगर हम लोग वाई इक्वल टू एफ ए एक्स कर रहे थे, इस केस में पीरियड कितनी हो जाएगी, इस केस में पीरियड हो रही थी t by a, फिर t is the period of fx, दोनों केस में, यहां भी फिर t is equal to period of y is equal to fx। तो अगर y is equal to fx का period t है, जैसे यहां पर हमने y is equal to sin x लिया जिसका period कितना है 2 pi, तो अगर y is equal to of f of ax कर रहे हो तो उसकी पीरियड कितनी हो जाएगी, t by a, जो कि हमने प्रीवियस ग्राफ में दिखाया था, उसका पीरियड कितना हो जा रहा था, जब 2x लिए थे तो उसका पीरियड पाई ही हो रहा था, 2 पाई by 2, और यहाँ पर जब a से डिवाइड कर रहे हो तो इसकी पीरियड क्या हो जा रही है, at। जैसे यहाँ पर sin x by 2, इसकी पीरियड कितनी हो जा रही है, 2 into 2 पाई, मतलब 4 पाई। तो आई थिंक ये क्लियर है। तो सिमिलरली अब थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप खुद से बताओ कि अगर अभी तक हमने क्या किया था, x में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा था, अगर इसी काम को आप अगर इसी काम को y एक्सिस में करोगे तब क्या होगा, अगर हम लोग y में, अगर हम लोग y को a से डिवाइड कर दें या y में a से मल्टीप्लाई कर दें तब क्या होगा, ग्राफ में क्या चेंज आ जाएंगे, थोड़ा सोच करके बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। तो When we multiply or divide
ए इन वाई एक्सिस, इन वाई देन ग्राफ गेट अ स्ट्रेच्ड और कॉम्प्रेस्ड एलोंग वाई एक्सिस। ध्यान देना एक्स में अब कोई चेंज नहीं होगा, जब हम लोग एक्स में ए से मल्टीप्लाई कर रहे थे या डिवाइड कर रहे थे तो वाई में कोई चेंज नहीं हो रहा था, वाई में जो हाइट था वो रह रहा था, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पर जब आप वाई में ए से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो एक्स का जो एक्स में डिस्टेंसिंग थी, फंक्शन का जो डिस्टेंसिंग था उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वाई में जो फंक्शन का डिस्टेंसिंग था वो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप वाई बाई ए इक्वल टू एफ एक्स करते हो तो ये कह सकते हो कि फंक्शन विल गेट, और इसको क्या लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू ए इंटू एफ एक्स, ये तो कह सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, फंक्शन विल गेट अ स्ट्रेच्ड एलोंग वाई एक्सिस ए टाइम स्ट्रेच्ड हो जाएगा, एंड वाई इंटू ए इक्वल टू एफ एक्स करोगे, मतलब कि इसको और लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एफ एक्स अपॉन ए, तो ये कह सकते हो ग्राफ ऑफ फंक्शन विल गेट कॉम्प्रेस्ड बाय ए टाइम्स अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, क्लियर है, ध्यान देना क्लियर है। तो इसमें मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, जस्ट मैं इन करता हूँ मॉडुलस फंक्शन में, ठीक है। आप इसमें एक एग्जांपल लेकर के आप पोस्ट करो, ठीक है, और मैं आपको दे देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, आप उसका ग्राफ बना करके हमें मैसेज करो। आपको ग्राफ दिया हुआ है y इक्वल टू, चलो फंक्शन चेंज कर लेते हैं थोड़ा, cos x ले लेते हैं, एंड y इक्वल टू 2 cos x ले लो, और एक ले लो y इक्वल टू 1/4 cos x। आप इन तीनों ग्राफ का स्ट्रक्चर हमें बताओ कि किस में कॉम्प्रेस होगा, किस में स्ट्रेच होगा, किस में क्या होगा, ये हमें करके बताओ, किस कितना टाइम्स। जैसे यहाँ पर क्लियर है कि y यहाँ पर पूरे फंक्शन में 2 से मल्टीप्लाइड है, तो y एक्सिस में 2 टाइम्स इलोंगेट हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेच्ड हो जाएगा कह सकते हो, और यहाँ पर 4 से डिवाइडेड है तो एक कॉम्प्रेस हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो चलो इसका ग्राफ बना लोगे आप, खुद से बना लो ना, इससे ये तो आपका यूज होगा ही, खास करके वेव चैप्टर में ये चीज़ें यूज होंगी, ठीक है। नाउ एक आप देखोगे कि अभी जो सब्सिक्वेंटली हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन चैप्टर, तो वहाँ पर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देता है, और वहाँ से आपको पूछता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालो, या बोलता है स्पीड टाइम ग्राफ निकालो। तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जानना होगा, मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन ये क्या है और कैसे होता है। तो ध्यान देना, आप अगर y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड ऑफ x किए, ध्यान देना हमने x में मॉड लगा दिया, जहाँ पर फंक्शन में x था उसमें मॉड लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या है, x का नेगेटिव इनपुट के लिए भी y क्या हो जाएगा, एंट्री हमारा पॉजिटिव जाने वाला है ना। तो इस चलते ये कह सकते हो कि ग्राफ विल गेट मिरर इमेज्ड एलोंग वाई एक्सिस, लेकिन सबके लिए नहीं, किसके लिए, फॉर द पोर्शन इन द नेगेटिव साइड ऑफ या इन द लेफ्ट साइड ऑफ इन द लेफ्ट साइड ऑफ
वाई एक्सिस। मतलब क्या हुआ समझ लो, थोड़ा वर्बली समझ लेते हैं। वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो भी ग्राफ होगा उसको वाई एक्सिस में आपको मिरर इमेज कर देना है, बस और कुछ नहीं। एग्जांपल ले लो, आपको जैसे ग्राफ दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ये दिया हुआ वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ। सपोज दिस इज योर ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स, कुछ कोई भी फंक्शन हो सकता है, हम लोग मान ले रहे हैं दिस इज योर वाई इक्वल टू एफ एक्स। अब आपको बोल रहे हैं कि बताओ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, तो हमें करना कुछ नहीं है। आप देखो तो यहाँ पर सेमी सर्कल आपका निगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस में है और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन निगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस में है, तो आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ नहीं, ये हो गया आपका ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स, ये हो गया। मतलब ध्यान देना, आप कंफ्यूज नहीं हो गए, यहां पर था ठीक है, ब्लू लाइन जो था वो आपको वाई इक्वल टू एफ एक्स है, ब्लू लाइन हमारा वाई इक्वल टू क्या है एफ एक्स, और ब्लैक लाइन जो हमारा है यहाँ से चालू होकर ऐसे गया और ऐसे आ गया, ये हो गया y इक्वल टू मॉड ऑफ x, f ऑफ मॉड ऑफ x ठीक है। तो x को जैसे ही मॉड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव साइड में जो भी था, मतलब कि अब इसके लिए ये ग्राफ हो गया हमारा ठीक है, जो भी y एक्सिस से निगेटिव में था, y एक्सिस के निगेटिव पोर्शन में जो था वो उसका हमने क्या किया, मिरर इमेज कर दिया ठीक है। सो दैट इज योर y इक्वल टू f ऑफ मॉड ऑफ x। और सिमिलरली अगर y में मॉड लगा दो, अगर आप y में मॉड लगा दो या पूरे फंक्शन में मॉड लगा दो, बिकॉज y इक्वल टू एफ एक्स है तो y में हम लोग अगर मॉड लगा रहे हैं तो पूरे कह सकते हो फंक्शन में भी हम लोग मॉड लगा रहे हैं। तो आप अगर ये करते हो y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, तब क्या होगा, ग्राफ विल गेट मिरर इमेज्ड along x axis, लेकिन फिर से ध्यान देना सबके लिए नहीं, for the portion below x axis, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल एक दो लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको बोल दिया y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x, हमें इसका ग्राफ बनाना, कैसे बनाओगे, तो ध्यान देना y इक्वल टू साइन एक्स का ये ग्राफ था आपका, है ना, ये है आपका ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स। अब अगर हमें y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ दिखाना है तो क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, यहाँ जो नीचे वाला पोर्शन है उसको मिरर इमेज कर दोगे, तो इधर तो जस का तस रहेगा, जैसे ग्राफ था वैसे ही जाएगा, यहाँ पर हमने मिरर इमेज कर दिया नीचे वाले का जस्ट ऊपर, इधर भी सेम रहेगा जैसे था, और यहाँ पर मिरर इमेज हो गया। तो ये हो गया आपका y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स, क्लियर है, क्लियर है ग्राफ। तो ये होगा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। जैसे आपसे पूछ देगा, हम लोग आगे जा करके पढ़ेंगे ये चीज़ को, कि इफ v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, तो मॉड ऑफ v इक्वल टू कहते हैं स्पीड, क्योंकि स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। अब मान लो कि दिया हुआ है कि आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि एक पार्टिकल की स्पीड ये है, ये आपको ग्राफ ऑफ स्पीड दिया हुआ है, ध्यान दो, ये स्पीड की ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी का वीटी ग्राफ दिया हुआ है, इधर है वेलोसिटी वी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। अब बोल रहा है स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ, इसका क्या होगा, तो ध्यान देना यहां से वेलोसिटी क्या हुआ है, निगेटिव हुआ है, लेकिन स्पीड तो कभी निगेटिव होगा नहीं, तो ये हो गया आपका स्पीड टाइम ग्राफ, ये आपका जो हुआ ग्राफ, दिस इज योर स्पीड टाइम ग्राफ, ध्यान देना।
ये जो बन रहा है ना ग्राफ, ये हो गया स्पीड टाइम ग्राफ। टाइम तो नीचे दिया हुआ है, स्पीड का ग्राफ हो गया मोड ऑफ ई। ये बस कुछ नहीं, निगेटिव पोर्शन जो था उसको पॉजिटिव कर दिया, तो यहाँ से तो सेम रहा लेकिन इधर हो गया स्पीड वाला ग्राफ, ठीक है। और ये पूरा ऐसे जब था तो क्या था, वेलोसिटी। ये आपका है पोर्शन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वाला जो आपका वेलोसिटी वाला है, ब्लैक वाला वेलोसिटी वाला है और ब्लू वाला आपको स्पीड वाला ग्राफ बन गया। तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस का लोग मिरर इमेज कर दिया, क्यों, क्योंकि पूरे फंक्शन में हमें मोड देना है, देन इट बिकम्स स्पीड, ठीक है। तो ऐसा कर करके आपको ग्राफ बहुत सारा आने वाला है अगले चैप्टर में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आई बिलीव कि हमारा ग्राफिकल नीड जितने थे उतना हमारा क्लियर है। तो आपको अगर इस पोर्शन में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो एंड प्लीज़ सेंड मी, ठीक है। हम लोग उसको अगले क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगे, लाइक नहीं किए होगे वीडियो को, तो लाइक कर लोगे, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। थैंक यू वेरी मच।